तो हे फ्रेंड्स यार, फाइनली यहाँ पे 6th एनिवर्सरी का जो फीमेल का ये वाला बंडल है वो यार हमको मिल चुका है। आप सभी लोगों को यहाँ पे कैसे क्रेट ओपन करना है, कितने क्रेट जमा करने चाहिए, सारा कुछ मैं A to Z इस वाले वीडियो में प्रोसेस देने वाला हूँ। तो देखो, आप वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा तो आपको पता चलेगा ये वाला बंडल यहाँ पे कैसे मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स यार देखो, वैसे तो मैंने 900+ टोकन जमा कर लिए थे, तो उसके बदले में मुझे यहाँ पे पहले मैंने 75 ओपन किए थे और अभी मैंने टोटल यहाँ पे फिर से 100 क्रेट यहाँ पे मैं ओपन करने वाला हूँ। तो देखो, इसके पहले भी मैंने 75 की ओपन किए हुए ओके, लेकिन इसके अलावा मैंने बाद में सोचा कि चलो मैं एक साथ यहाँ पे 100 क्रेट यहाँ पे ओपन करने का एक वीडियो बना देता हूँ और आपको भी पता चलेगा कैसे अभी बंडल निकलेगा। तो फ्रेंड्स यार, 5 टोकन के बदले में आपको एक यहाँ पे ये वाला क्रेट मिलता है ओके, इंसर्ट का ऑप्शन आपको इवेंट में जो शो होता है ना वहाँ से। तो भाई यार देखो, सिंपल एक आपको वहाँ पे क्रेट मिलेगा 5 टोकन के बदले में। तो इस तरह से मैंने 100 यहाँ पे जमा किए है। तो मैंने यहाँ पे गेम का यार देखो, ये तो नॉर्मल प्रोसेस होती है कि भाई मैं जाऊँगा स्टोरेज में, जाऊँगा क्लियर कैसे करूँगा, क्लियर डाटा मत करना। मैं यहाँ पे बिल्कुल भी आपको सजेशन नहीं देता हूँ क्लियर डाटा करना, बस क्लियर कैश करना, फिर गेम की सेटिंग में जाके भी यहाँ पे क्लियर कैश कर देना। अभी देखो आपकी मर्जी, ये सब करना चाहते हो। इसके अलावा आप एक और काम कर सकते हो, एडम कैरेक्टर ओके, एडम कैरेक्टर यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे हम पहले तो यार एक एक क्रेट ओपन करेंगे, उसके बाद 5 ओपन करेंगे, 2-3 ओपन करेंगे, इस तरह से हम ट्राई करते हैं। और देखो, पहला पॉइंट ये है कि आपको काफ़ी सारे क्रेट यार पहले तो जमा करके रखना पड़ेंगे। 50 करो, 100, 100 करो, इस तरह से आप जमा करोगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा। अभी आपके मन में डाउट्स होगा, इतने टोकन भाई तुमको कैसे मिले? तो भाई सिंपल है, मैंने एक वीडियो पहले ही बना दिया है कि आप कैसे बोट लॉबी ला पाएंगे और बोट लॉबी का यूज़ करके आप काफ़ी ज़्यादा टोकन। एक मैच में मैंने 38 टोकन प्लस जमा किए है और हर एक मैच में मैं 25 की एवरेज से टोकन जमा करता जा रहा हूँ बैटल रॉयल के अंदर फाइंड करके। अभी देखो, ये ट्रिक तो जो मैंने बताई ना, वो ये बेसिकली एक तुक्का था कि भाई मेरा बंडल निकल गया। तो मेन पॉइंट हमारा इस इवेंट का यही है कि भाई हमको काफ़ी सारे क्रेट ओपन करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि 10 ओपन करेंगे तो बंडल मिल जाएगा, उसके अंदर ट्रिक यूज़ करेंगे। तो ट्रिक यार ऐसा कुछ नहीं होता है, बस आपको काफ़ी सारे क्रेट यहाँ पर जमा करके रखने पड़ेंगे, तभी जाके यहाँ पर आपका बंडल निकलेगा। और मेरी बात करूँगा तो मैंने 180 यहाँ पे क्रेट ओपन की है और उसके बाद मेरा यहाँ पे बंडल मिला है। अभी यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो एडम कैरेक्टर ले लेते, क्या जाता है, एडम कैरेक्टर को यहाँ पे तगड़े वाले कपड़े पहले से पहना के रखे थे। चलो अभी मैंने यहाँ पे क्या सोचा कि मैं अभी 5 ओपन करूँगा, फिर 10 ओपन करूँगा। और जैसे ही फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर अभी 10 क्रेट में ओपन कर रहा हूँ और अभी तक तो मैंने 10 ही ओपन किए थे, देख सकते हो। और एक साथ जैसे ही 10 करे भाई, बंडल निकल गया। तो फ्रेंड्स यार, मेरी भी मेरे ख्याल से गारंटी तो नहीं दे रहा, लेकिन हाँ एक पॉइंट मुझे यहाँ पे पता चला है कि भाई देखो, 10 नहीं, 15 नहीं, 20 भी नहीं, 50 क्रेट भी नहीं, और पहले मैंने 75 जो ओपन किए थे ना उसमें भी मुझे बंडल नहीं मिला था, लेकिन फिर बाद में मैंने 100 यहाँ पे क्रेट पहले तो जमा किए और उसके बाद मैंने ओपन करना स्टार्ट किया तो 20 क्रेट के अंदर मुझे यहाँ पे बंडल मिल गया। तो एक बात तो पता चलती है कि भाई आपको भी मतलब कि काफ़ी सारे क्रेट जमा करके रखने पड़ेंगे, जमा करके रखने नहीं, आपको काफ़ी सारे यहाँ पे लेने ही पड़ेंगे, इतने ज़्यादा आपको टोकन जमा करने ही पड़ेंगे और तभी जाके यहाँ पे मेरे ख्याल से गरीना बंडल देगी। तो बस यार, इवेंट से मुझे इतना पता चला कि टोकन ज़्यादा से ज़्यादा जमा करो, क्रेट जमा करो और उसके बाद ही आपका बंडल निकलेगा। पर अब ट्राई करना 50 यहाँ पे क्रेट एक साथ जमा करके ओपन करने की। वैसे तो मैंने भी पहले 50 क्रेट ओपन किए थे लेकिन उसमें बंडल नहीं मिला था और उसके 2 या 3 दिन बाद मैंने फिर से यहाँ पे कल के दिन 100 क्रेट जमा कर लिए। तो फ्रेंड्स यार, अभी मेरा ये वाला बंडल निकल गया और दूसरी बार देखो, मैंने यहाँ पे फिर से ओपन किए ना तो निकल गया ओके, एक साथ यहाँ पे कुछ जो भी क्रेट बचे थे वो ओपन कर दिए। तो बस यार, मैंने आपको एक टोकन की ट्रिक बताई है कि भाई टोकन कैसे जमा करोगे। तो देखो, नेक्स्ट ईयर में आप खेलते हो तो भी काफ़ी ज़्यादा टोकन मिल रहे हैं, या फिर आप बरमूडा में आप नॉर्मल खेलो उसमें आपको लोकेशन ज़्यादा पता रहेगी कि भाई टोकन कहाँ कहाँ के हो सकते हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि एक लोकेशन में से 10-15 टोकन मिल जाते हो, कि एवरेज हम गिनेंगे ना तो 8 या 10 टोकन निकलते हैं, बस आपको उस लोकेशन का एक एक कोना चेक करना पड़ेगा। और भाई आप तो वो वाला वीडियो आप देख ही लो, क्योंकि मैंने अच्छे से समझाया कि भाई आपको पहले कौन सा एरिया लूटना चाहिए। लाइक यार, ऐसा नहीं है कि आपको जोन के अंदर चले जाना, आप जोन के बाहर भी लूट सकते हो, बस उसके लिए आपके पास मैक्सिम कैरेक्टर, के कैरेक्टर, ये सब यहाँ पर हीलिंग वाले कैरेक्टर होने चाहिए। और फाल्को पेट का यूज़ करोगे तो जल्दी आप ज़मीन पर उतरोगे और टोकन लूटना जल्दी स्टार्ट कर दोगे।
और अगर देखो बोट लॉबी आपने ला दी, और बोट लॉबी लाना एकदम ईजी है, वैसे मैं इस वाले वीडियो में भी बोट लॉबी की लिंक डाल दूंगा, तो आप वीडियो को देख लोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई बोट लॉबी कैसे लानी है। अभी देखो बोट लॉबी लाने के फ़ायदे क्या है, क्योंकि ज़्यादातर प्लेयर बोट ही होंगे, बस एक या दो स्क्वाड आपकी ओरिजिनल आएगी और आपको हमेशा ड्यूओ खेलना है, ओके, तो आपको ज़्यादा टोकन मिलेंगे, आपका फ्रेंड भी आपके पास 600 टोकन नहीं ले पाएगा, इसलिए आप ड्यूओ खेलना। तो आप ट्रिक देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ड्यूओ कैसे करना है, किस तरह से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, तो वो प्रोसेस मैंने आपको बोट लॉबी वाली वीडियो में बताई है। तो फ्रेंड्स यार वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज की इस वाली वीडियो में यहाँ तक ही रखते हैं, मिलते हैं यार नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए यार आप सभी लोगों को बाय बाय।